to my YouTube channel और I hope you all are doing awesome. So guys, ये video भी modal verbal की exercise के ऊपर होने वाला है. Last time we have discussed about many modal verbal जो हमने पढ़े थे. इस video में वापस से हम एक exercise करने वाले हैं. तो बिना किसी देर किए हम video start करते हैं. Let's start the video. So So as you can see on your screens, we have different modal verb जो brackets में दिए हुए हैं, वो सारे modal verb हैं और आपको इन modal verb को conjugate करना है pronomens से. Pronomens दिए हुए हैं, modal verb दिए हुए हैं. मैंने आपको बोला था कि आप वो table याद कर लीजिएगा क्योंकि वो conjugations जो हैं साथ में pronomens के साथ तभी आप एक perfect sentence बना पाएंगे modal verb के साथ. Otherwise you'll not be able to make the correct sentences without learning all those forms of this modal verb. For example, as I told you, ish, must, do, must, the, müssen, ear, must. तो ये सारे मैं again request करूँगा कि आप ये सब याद कर लीजिए. ये video देखने से पहले एक और request है मेरी कि ये जो I button है, इस I button पे click कीजिए और I button पे जब आप click करेंगे तो उसी video पे आप पहुँच जाएंगे जो आपको video देखनी चाहिए. इस वीडियो की जो एक्सरसाइज है वो टोटली डिपेंडेंट उस वीडियो पे है. तो इसलिए प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक एंड वॉच दैट वीडियो, देन कम टू दिस वीडियो सो दैट यू विल फाइंड इट मोर नॉलेजेबल एंड यू विल बी एबल टू ग्रेस्प व्हाट एवर आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज यूटा कान देयर गुड क्लावियर स्पीलन. हियर दे हैव गिवन इन ब्रैकेट दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर द मोडल वर्ब क्योनन. So, क्योनन जब हम सिंगुलर के साथ यूज कर रहे हैं तो वो हो जाता है यूटा कान. यूटा कान से गुड क्लावियर स्पीलन. शी कैन प्ले वेरी गुड क्लावियर. ओके, उसके बाद है अब जी ये डेंटाग यूबन. जी दे आर टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल यूटा. अगेन सिंगुलर थर्ड पर्सन ही शी एट. So they are talking about she. So if you have learned that those forms of modal verb, so what we use with z, we have here modal verb müssen. So we will use here z muss. Z muss jeden Tag üben. Das ist ein Pflicht. Then we have üben is to practice. Jeden Tag is daily. Tag der Tag. और मैं प्लीज सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो वर्ड्स याद करेंगे वो, हाँ मैं मानता हूं सारे के सारे एक साथ याद नहीं होंगे, बट ट्राई टू लर्न ऑल दोज वर्ड्स विद आर्टिकल्स. क्योंकि अगर आपने आर्टिकल्स याद नहीं किए तो साथ में वापस से आप सेंटेंस सही नहीं बना पाएंगे. आर्टिकल्स पे काफी कुछ डिपेंडेंट होता है. सेकेंड सेंटेंस इज हंस उन इश अम फ्राइटाग आबंड सुम टांसन केन. So here we have plural Hans und Ish, two persons. So we'll use Hans und Ish wollen. Wollen ka wollen ya hai plural ho gaya. Hans und Ish wollen am Freitagabend zum Tanzen gehen. Tanzen is to dance. Aur yahan main aapko bolunga ke jo Tanzen hai, again काफी इंफॉर्मेटिव चीज है ये. ये आपको ध्यान में रखनी है जो बिगिनर्स हैं कि टांसन यहां पर एज अ नोमन यूज हुआ है, डांस. अगर मैं इसे वैसे यूज करता तो इश टांस. यहां पर आई डांस, यहां पर जो है ये वर्ब के तौर पे यूज हुआ है. और इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां एज अ नोमन यूज हुआ है, दस टांसन. दस for example, if I take any other example, Essen. I have given this example in my last video as well. Essen भी वही चीज होती है कि Essen एक बार जो है आपका verb के तौर पर भी use हो सकता है और Essen as a nomen use भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं das wird lustig. Then is because. यहां पर then जो है because की तरह use हुआ है. Then wir können nicht gut tanzen. Again we will use here können because wir is plural. So wir, when können is conjugated with wir, so will not do anything. The form will remain the same of this modal verb. Then we have ish
ब्लैंक स्पेस वॉलन, ये वाला मोडल वर्ब यहां पे यूज करना है, unbedingt fliegen lernen. So यहां पर आएगा ich will, exactly ich will unbedingt fliegen lernen, das ist aber teuer. Teuer means expensive. Das ist aber teuer. Deshalb müssen, यहां पे हम modal verb यूज करना है, बट müssen हमें conjugate करना है ich के साथ, तो यहां पर आंसर क्या होगा, muss. Deshalb muss ich zuerst viel Geld verdienen. Verdienen is to earn. Geld means money. Das Geld. Ich zuerst viel Geld verdienen. Deshalb muss ich zuerst viel Geld verdienen. Then the fourth example is blank space. Können du Schach spielen? So again we have our modal verb in können. When we conjugate können with du, so it will be kannst. Kannst du Schach spielen? Ja, aber nicht so gut. Ich, we conjugate dürfen with ich, so it will be, guess, exactly. Ich darf wahrscheinlich nicht so schnell spielen. Ich, again, muss. Ich muss länger nachdenken. Nachdenken is to think upon. Ich darf wahrscheinlich nicht so schnell spielen. Ich muss länger nachdenken. Länger is for long time. Länger. Am längsten. Okay, then the fifth sentence is, let me move it. Okay, the fifth sentence is Max. जो यहाँ जर्मन में जो है ए को आ बोलते हैं, आ बे से डे, तो हम यहां पर मैक्स को भी बोलेंगे मार्क्स. मार्क्स वॉलन, जो हमारा जो हाँ मोडल वर्ब है वो मॉलन है. इम विंटर आइदन साल्सा कुर्स माखन, तो यहां पर अगेन मार्क्स इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. यहां पर हम जब वॉलन को मार्क्स से कॉन्जुगेट करते हैं, मार्क्स विल इम विंटर आइनन साल्सा कुर्स माखन. यहां वॉलन जब हम कॉन्जुगेट करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा मार्क्स, और मार्क्स इज अ सिंगुलर पर्सन, एंड दिस हियर इट्स रिएक्टिंग विद, इट्स कॉन्जुगेटेड विद वॉलन. सो मार्क्स विल इम विंटर आइनन साल्सा कुर्स माखन. येट्स मुस एर आबनॉक eine Tanzpartner, eine Tanzpartnerin, Tanzpartner finden. Finden is to find. Das ist schwierig, denn er ist ziemlich klein. That's difficult because he is a bit short. Und er wollen, we have modal verb here, wollen. So how we will conjugate it with er? Again, er will nicht. Das Mädchen größer ist als er. The last sentence is ihr. Blank, wollen, again we'll conjugate here. Wollt ihr. Wollt ihr mit mir ins Kino gehen? Kino is cinema. Gehen is to go. Gehen. Aber wir, conjugated with wir, können, modal verb we have. Wir können erst in einer Stunde kommen. Stunde is are. Wir müssen noch die Küche aufräumen. Aufräumen is to clean. Aufräumen is a Trennbar verb. Iske baare mein bhi hum log baad mein padhenge Trennbar verb kaun se hote hain, un Trennbar verb kaun se hote hain. So here aufräumen, I'll give you just short description. Aufräumen, to jab hum ise sentence mein use karenge, kahin kahin to auf aur räumen alag alag ho jayega. So auf will go in the end. And Royman will stay with the subject. Okay, fine. So I hope you find it interesting. और ये exercise मैं suggest करूँगा कि आप लोग video pause कर करके वापस से देखें. और see you in the next video. अगर आपने channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो please do subscribe my channel. I make German videos. और मैं जब भी videos upload करूँगा तो अगर आप subscribe करेंगे तो आपको update मिलती रहेगी. See you in the next vlog. Till then, take care. Bye-bye and have a nice day. Ciao, ciao.